नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मदनवाड़ा में नक्सली मुठभेड़, थाना प्रभारी शहीद, राज्यपाल और सीएम ने जताया दुख। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर क्षेत्र के परदोनी गांव में शुक्रवार देर रात पुलिस की नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मंदवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। शहीद जवान की शहादत पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबियत बिगड़ी, निजी अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री ने जाना हल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबियत बिगड़ी, नाश्ता करते वक्त अजीत जोगी की तबियत खराब हो गई। अजीत जोगी को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित जोगी से दूरभाष पर चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर 30,000 करोड़ का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा। मजदूरों की घर वापसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी के बीच सियासी टकराव। शाह ने लिखा, हमें पश्चिम बंगाल से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही है। यह बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने लिखा, आप आरोप साबित करें या माफी मांगे। 6 बैंकों को 400 करोड़ रुपए का चूना लगाकर चावल व्यापारी देश छोड़कर भागा। भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया है। WHO के मुताबिक लॉकडाउन हटते ही भारत में बढ़ेंगे केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के केस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम जल्दी उठा लिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रण से पहले जुलाई में यह बीमारी अपनी चरम पर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के WHO को 2-2, कहा चीन के हाथों की कठपुतली बना WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से फंड लेकर चीन के लिए काम कर रहा था, लिहाजा मैं बहुत जल्द एक फैसला लेने जा रहा हूँ। ट्रंप ने सवाल किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका $50 करोड़ दे रहा है, जबकि चीन सिर्फ $3.8 करोड़ दे रहा है। इसके बावजूद क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन बताएगा कि उसको क्या करना है और कब करना है। आयुष्मान ने मदर्स डे के लिए बनाया रोचक गीत, कल सोशल मीडिया पर करेंगे रिलीज। आयुष्मान कहते हैं कि मातृत्व की भावना ने मुझे हमेशा आश्चर्यचकित किया है और मैं हमेशा ध्यान रखने वाली, पालन पोषण करने वाली शक्ति की प्रशंसा में सम्मान पूर्वक गाता रहूंगा। इंजमाम उल हक ने होटल बम ब्लास्ट पर कहा, खौफनाक था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रोने लगे थे। कोरोना वायरस की वजह से खेलों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे वक्त में क्रिकेट दिग्गज सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुराने रिकॉर्ड और किस्सों से फैंस को रूबरू करवा रहे हैं। इस क्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और चीफ सिलेक्टर इजमाम उल हक ने खुलासा किया है कि 2002 में दौरे पर आई न्यूजीलैंड की टीम होटल के करीब हुए बम धमाके के बाद रोने लगी थी, वे डर गए थे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।